चांद के बाद सूरज की बारी, इसरो का मिशन तैयार, अगले महीने होगा लॉन्च। आपको बता दें कि चांद के बाद अब हिंदुस्तान की नजर सूरज पर है। इसरो जल्द ही सूरज की स्टडी के लिए रॉकेट छोड़ सकता है। इसे सूरज से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर स्थापित किया जाएगा। इससे सूर्य के आसपास हो रहे बदलाव पर 24 घंटे नजर रखी जा सकेगी। इससे पहले चंद्रयान 3 चांद पर 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग के लिए तैयार है। भारत स्पेस में लगातार अपनी धाक जमा रहा है। चंद्रयान 3 जल्द ही चांद की सतह पर लैंड करने वाला है और हर किसी को इस ऐतिहासिक पल का इंतजार है। इस बीच इसरो ने एक नए मिशन की तैयारी शुरू कर दी है, जहां उसकी नजर अब सूरज पर है। इसरो का आदित्य L1 सैटेलाइट लॉन्च करने का प्लान है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में इसकी तैयारी की जा रही है। ये देश का पहला सोलर मिशन होगा। सैटेलाइट को सूर्य पृथ्वी सिस्टम के लैग्रेंज पॉइंट L1 के आसपास एक हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाना है। हेलो ऑर्बिट 3 डायमेंशनल होता है, जिसमें L1 का एक लैग्रेंज पॉइंट कहलाता है। लैग्रेंज पॉइंट अंतरिक्ष में बस एक पॉइंट है। इस तरह के 5 पॉइंट होते हैं। ये लैग्रेंज पॉइंट सूर्य से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। खास बात यह है कि L1 पॉइंट पर सूर्य ग्रहण का असर नहीं दिखता है। अंतरिक्ष के मौसम पर नजर रखेगा आदित्य L1। L1 पॉइंट से सूर्य को लगातार देखा जा सकेगा। इससे सोलर गतिविधियों को आसानी से स्टडी की जा सकेगी और वास्तविक समय में अंतरिक्ष के मौसम के बारे में पता लगाया जा सकेगा। इसके अलावा सूर्य के आसपास किसी भी बदलाव का अंतरिक्ष के मौसम पर प्रभाव पड़ता है, इस पर नजर रखा जा सकेगा। आदित्य L1 सैटेलाइट के साथ इसरो 7 पेलोड भेजने वाला है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और डिटेक्टर की मदद से फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूर्य की सबसे बाहरी परत की स्टडी की जा सकेगी। एक खास पॉइंट से 3 पेलोड सिर्फ सूर्य पर नजर रखेंगे। इसके अलावा 3 पेलोड का काम सूर्य के आसपास मौजूद पार्टिकल यानी कणों और क्षेत्रों की स्टडी करना होगा।